आज की वीडियो NSS स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी वीडियो है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसमें बताई गई सारी जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप जानकारी के अभाव में ही जो है परेशान हो जाते हैं और घर बैठे आप सभी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। आप अपनी NSS से जुड़ी हुई सभी प्रकार की परेशानियों पे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आपको केवल मेंबरशिप से जुड़ना होता है। इस वीडियो को पूरा देखना आपके लिए जरूरी वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके लिए सारी बातें बताया है। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब कभी आप जानकारी के लिए NSS के टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है एक तो कॉल लगता नहीं है, और लगने के बाद भी जो आपको जानकारी मिलती है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है NSS का डिजिटल सेंटर, जहाँ पे जाके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये भी देखा गया है कि NSS के रीजनल सेंटर इतने दूर होते हैं जहाँ पे आपके लिए जाना आसान नहीं है। अगर आप एक बार चले भी जाते हैं तो एक बार में आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, तो अब ऐसे में आपके लिए बार बार जाना आसान नहीं होता। आप अपनी सभी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मेंबरशिप से जुड़िए, और जो यहाँ पे आपको परामर्श चाहिए वो आपको मिलेगा। अब वो भी आप घर बैठे, वो भी एक नंबर पे, यानी मेरे नंबर पे केवल एक बार में कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप घर बैठे जानकारी ले। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी जो परेशानी हो सकती है कैसे जरा देख लेते हैं। यहाँ पे आपकी परेशानी हो सकती है ट्रांसक्रिप्ट के बारे में, आप जानना चाहते हैं, आपको सही जानकारी नहीं मिल पाती, वेरिफिकेशन हो गया, डुप्लीकेट मार्कशीट हो गया, फुल प्रोसीज, मतलब पूरा प्रोसीजर बताऊंगा मैं कि कैसे आपके डुप्लीकेट मार्कशीट जो है अप्लाई करना होता है, और ये सब कुछ हो सकता है घर बैठे। बने रहिए वीडियो में, आपके काम की वीडियो है। नेम करेक्शन सस्पेंडेड है, रिजेक्टेड है, और आगे कोर्ट प्रोसीजर क्या होता है सब कुछ जानने को मिलेगा। एडमिशन ऑनलाइन प्रोसेस, एडमिशन को भी आप घर बैठे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वीडियो पूरा देखें समझे, क्योंकि आपको पता है एडमिशन के नाम पे 3500, 4000, 5000, कई जगह तो 10000, 20000 भी ले लिया जाता है। वही अगर आपको वक्त रहते जानकारी मिल जाए तो ये एडमिशन आप खुद भी कर सकते हैं, और इसमें हम आपकी मदद करेंगे। बस केवल आपको कोई समझाने वाला चाहिए, बाकी आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए इसके आगे बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम हो सकती है TOC प्रॉब्लम हो सकती है TOC रिलेटेड, और अगर आप डायरेक्ट टीचर ट्रेनिंग में है, यानी कि डायरेक्ट प्रॉब्लम है, तो इस पर भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि अभी नए अपडेट्स के लिए, या फिर आप और जानकारी चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। ये सारी बातें मैं अभी इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो परामर्श शुल्क है इसकी फीस क्या होती है, क्या टाइम पीरियड होता है, और क्या कुछ नए नियम हैं जो आपको जानना चाहिए वक्त रहते। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहिए। चले दोस्तों शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जरूरी वीडियो जो है आपको टाइम रहते मिलेगा, और जो कि आपके लिए जानना जरूरी होता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑल वाला प्रेस कर दो, और इसको शेयर भी करना है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं मिल पाता, और वो इधर उधर किसी एजेंट या किसी और प्रकार की जो है समस्याओं में फंस जाते हैं, जिसके लिए जरूरी है आप सभी लोगों का एक साथ आना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको सारे पॉइंट समझाऊंगा इस वीडियो में। आप जरूरत है आपके बने रहने की, पूरा देखना है तभी आपको जुड़ना है मेरे साथ। ये नंबर है, इसको आप सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले वीडियो को देखिए। अभी क्या है समझिए, आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होता है, यानी इसमें आप अपनी परेशानी पे जो है परामर्श लेते हैं, आप जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसकी क्या फीस होती है, फीस का मतलब होता है इस चैनल को मैं चला रहा हूँ, इस चैनल को चलाने में आपका आर्थिक सहयोग जरूरी होता है, यानी आपका सपोर्ट जरूरी होता है। आप मेंबरशिप को इस तौर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ताकि मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं। चलिए देखते हैं, बात कर लेते हैं, अगर आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, यानी आपने फर्स्ट टाइम NSS में एडमिशन लिया है, चाहे 10th या 12th में लिया है, आप बिल्कुल नए हो, आपको कोई जानकारी नहीं है, तो आपको परामर्श शुल्क 300 पे करना होता है, 300 रुपये। ये हो गया फ्रेश स्टूडेंट्स की बात। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो
पास हो चुके हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, अब आपको जानकारी चाहिए, डुप्लीकेट मार्कशीट हो गया या फिर और भी बहुत सारी बातें जो आपको जानना होता है, तो फिर आपको पे करना होता है 500 रुपीज। यानी अगर आप नए हैं, पहली बार एडमिशन लिए हैं, तो आपको क्या पे करना है 300, या फिर आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं, आप लेने की सोच रहे हैं, फिर भी आपको 300 पे करना होता है। लेकिन अगर आप पास हो चुके हैं, आप पुराने स्टूडेंट से आप निकल चुके हैं, यानी कि आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी कुछ आपको जानकारी चाहिए, तो फिर आपको पे करना होता है 500, यानी कि 500 रुपये। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर आप ट्रांसक्रिप्ट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं कि सर मुझे ट्रांसक्रिप्ट्स को अप्लाई के बारे में जो है प्रोसीजर बताएं, तरीका समझाएं, क्या होता है WS सब कुछ बताएं, तो इसके बारे में आपको फीस पे करना होता है 1000, यानी 1000 रुपये आपको फीस पे करना होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप देखो आपको क्या जानकारी चाहिए, अब आप देखो आप इस तीनों में किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आपको आपकी फीस पे करनी है। अब यहाँ बात करते हैं टाइम पीरियड कितना होता है। टाइम जब आप फीस पे कर देते हैं तो आपको पूरे 5 दिन का मैं टाइम देता हूँ, यानी एक दिन नहीं पूरे 5 दिन आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, यानी कि आपको बार बार फीस पे करने की जरूरत नहीं है। 5 दिन, 5 दिन तक आप जानकारी ले सकते हैं, और जिस दिन आप मुझसे जुड़ते हैं वो दिन भी इसमें ऐड होता है। तो अब यहाँ पे ये समझना है, यानी कि आपको 5 दिन का टाइम मिल गया, और साथ ही अगर आप हमें टेस्टिमोनियल वीडियो देते हैं, टेस्टिमोनियल वीडियो का मतलब हो जाता है कि आपने जानकारी लिया, आप मुझसे जुड़े और बाकी लोग भी जुड़े इस तरीके से, यानी एक तरह का थैंक्स वीडियो होता है। यानी कि 5 दिन आपको पहले मिला था जब आपने फीस पे किया था, और 5 दिन अगर आप अपना एक वीडियो देते हैं तो 5 दिन का टाइम आपको और बढ़ के मिल जाता है। तो इसके लिए टेस्टिमोनियल वीडियो आपको देना जरूरी हो जाता है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं ऑनलाइन एडमिशन की। अगर आप एडमिशन लेने में परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप हमारी परामर्श से एडमिशन लीजिए, जानकारी लेकर एडमिशन लीजिए, आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। एडमिशन की फीस 3500 नहीं, 4000 नहीं, 5000 नहीं, 10-20 हज़ार भी नहीं है। एडमिशन की फीस जो है केवल आपको 500 पे करना है। अगर आप हमसे एडमिशन लेना चाहते हैं तो केवल आपको 500 रुपये पे करना है, और आप घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं, और जिसके लिए कहीं भी परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। परेशान ना हो किसी को 10,000, 20,000, और कुछ ऐसे भी हैं जो 3500 में भी एडमिशन करते हैं और उसके बाद आपको परेशान होना पड़ता है। पैसे मेहनत की आती है, बचाओ उसको, बेकार का पैसा बर्बाद मत करो। तो ये सारी बातें आप समझ गए। और यहाँ पे एक बात ये है कि अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हैं तो ये हमने फीस आपके लिए रखा हुआ है 500। तो ये सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। और एक है हमारा न्यू सर्विस प्लान, जैसे कि आप ये चाहते हैं कि सर हम सर्विस भी लेना चाहते हैं, तो इसकी जानकारी मैं आपको, आप पहले मेंबर बन जाइए, जुड़ जाइए, और पहले अपना परामर्श लीजिए, और उसके आगे न्यू सर्विस प्लान के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बोला था इस वीडियो को शेयर भी करना है, तो अब इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम।